अगर आप लोग गैस की लोड शेडिंग से तंग आ गए हैं और शहरी में पराठे बना बना के थक गए हैं या फ्राइड चीज़ें खा खा के थक गए, तो ये वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़ायज़ा काशी व्लॉग। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस करना आपने ये है, सबसे पहले आपने एल्युमिनियम फॉइल ले लेनी है या बटर पेपर ले लेना है, ये डिपेंड करता है कि आप माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं या ओवन यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आप एल्युमिनियम फॉइल के 8 से 10 पीसेस कर लीजिए इक्वल साइज़ के। अब आपको चाहिए रूम टेम्परेचर पे, या तो आप पराठे ले लीजिए जो कि ठंडे हों, पहले से बना के रखे हुए, या पीटा ब्रेड हो तो वो ले लीजिए। और आपने इसके अंदर भरनी है स्टफिंग। स्टफिंग में आप चाहें तो मैंने जो जैसे मैंने ली है कीमा और मिक्स वेजिटेबल की स्टफिंग बनाई हुई है, आप चाहें तो आप शामी कबाब ले सकते हैं, या आप बोटी कबाब ले सकते हैं, या आप कीमा ले सकते हैं, या जो भी स्टफिंग आप इसमें करना चाहें आप वो ले सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। आपने सबसे पहले चाहें तो इसमें क्रीम चीज़ लगा लीजिए, या आप इसमें मेयोनीज़ लग स्प्रेड कर लीजिए, लेकिन क्योंकि मेरे जो ऑलरेडी बड़े सॉसी वेजिटेबल हैं तो इसलिए इसमें मैं कोई और एक्स्ट्रा सॉस नहीं ऐड कर रही, लेकिन जस्ट बिकॉज बच्चों को पसंद होता है तो इसलिए मैं इसमें केचप ऐड कर रही हूँ। केचप, मेयोनीज़ या जो भी आप इसके अंदर सॉस लगाना चाहें, चिली गार्लिक लगाना चाहें वो आप अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लीजिए, या क्रीम चीज़ लगाना चाहें वो अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लीजिए, और जो आपने अपनी स्टफिंग चूज़ करके रखी हुई है वो आप इसके अंदर अच्छी तरीके से फिल कर लीजिए। इसके अंदर आपने रॉ वेजिटेबल जैसे अनियन, कुकम्बर, कच्चे बिल्कुल भी ऐड नहीं करने हैं। अब मैं इसमें एक पैकेट मैंने मोज़रेला चीज़ और एक पैकेट चेडर चीज़ जो तकरीबन 200 ग्राम के दोनों पैकेट लेके उनको श्रेड करके रखा हुआ है वो इसके अंदर स्टफ़ करूँगी अपनी रोटियों में। अगर आपने इसमें ऑलरेडी बहुत सारे सॉस लगाए हुए हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ज़्यादा एक फुल मील कंप्लीट मील हो जाता है अगर आप इसमें चीज़ भी डाल रहे हैं वेजिटेबल्स, और बच्चों को वेजिटेबल खिलाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनको इस तरह के रोल्स बना के दीजिए और उसके अंदर चीज़ डाल दीजिए, और उसको आप करेंगे तो बच्चे बहुत आराम से उनको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अब हर हम अपनी रोटी को इंडिविजुअली, जो हमने पीटा ब्रेड ली हुई है उसको हम इंडिविजुअली टाइटली रैप करेंगे अपने एल्युमिनियम फॉइल में, और इस तरह से हम तमाम अपने रोल्स बना के रख लेंगे। रैप करते हुए इस बात का ख्याल रखिए कि कहीं से ये खुला ना रहे, कि कहीं अंदर मॉइस्चर इसमें शामिल हो, और ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए अपनी स्टफिंग भी और आपकी रोटियां भी, वरना अंदर से ये सौगी हो जाएंगे। अगर आप माइक्रोवेव यूज़ करते हैं तो ये आप बटर पेपर के साथ आप ये रोल बना के इनको रखिए। अब इस तरह से हमारे सारे रोल्स अब रेडी हो जाएंगे, तो अब हम इनको 10 से 15 दिन तक के लिए इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। इनको आप आराम से इनको फ्रीज़र में डाल लीजिए इकट्ठे एक साथ बना के, और जब भी आपको उनकी ज़रूरत हो जैसा आपको शहरी में उठें, तो 15 मिनट पहले आपने इन्हें ओवन प्रीहीट करके उसके अंदर रख दीजिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 10 से 15 मिनट में आपके रोल्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, चीज़ मेल्ट हो जाएगा और आपकी जो टाइम है उसकी भी बचत हो जाएगी, और आपकी फटाफट से सहरी तैयार हो जाएगी। यकीनन ये टिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसको ज़रूर आजमाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।